सो वेलकम बैक गाइस, डे वन है और हम हैं गोलू के चाचा के घर कल्याण में, कल्याण भिवंडी ना, तो कल्याण भिवंडी में हम और ये रहा गोलू और वो गोलू के चाचा के क्या लगते हो भाई आप? भांजा। तो ये भाई इनके गोलू के चाचा के भांजे हैं और ये हम आए हैं कल्याण में भिवंडी में, तो दो दिन हम यहीं पर स्टे करेंगे, देन उसके बाद हम वापस मुंबई के लिए निकलेंगे। तो चलो आगे मिलते हैं। सो गाइस, तो गोलू के चाचा का घर ये मुंबई में पड़ता है, भिवंडी की नहीं, थाने में पड़ता है, थाने में पड़ता, थाने, थाने। सो गाइस, अभी हम ना मतलब मुंबई से थोड़ा ही दूर है, 40-45 किलोमीटर दूर है, थाने की साइड है, हम प्रॉपर मुंबई में नहीं है। मुंबई में गए थे हम पर वापस चाचा के पास आ गए इसके, मेरा गोलू बाइक चलाता हुआ और काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये भाई हमारी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं, इन्होंने हमें मछली खिलाई भाई, बहुत अच्छे है, अपने हाथ के बना के, अपने हाथ के, और बहुत टेस्टी खाना बनाया भाई, बहुत सही बनाया, तो मज़ा आ रहा है। अभी हम दो दिन यहीं स्टे करेंगे और दो दिन का हम आपको यहाँ का ब्लॉग दिखाएंगे। और कैसन वाह? बढ़िया वाह, बढ़िया वाह। तो थाने की साइड है हम, तो आगे मिलते हैं। अभी हम जा रहे बाइक से बर्फ़ लेने, हमें टैंक पीने का मन कर रहा था, कुछ ठंडा खाने का मन कर रहा था। राइट लेफ्ट भैया, तो मिलते बर्फ़ की दुकान पर। तो ये है भिवंडी थाने का एक पार्ट, काफ़ी सही लग रहा है। अभी हम बस यहाँ पर आए हैं, नहाना धोना हुआ है, हम इतने थके हुए थे, हमें कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, तो फिर मतलब अभी हम जगे खाना वाना खा के, भाई ने हमें बहुत अच्छी मछली खिलाई थी, तो अब हम थोड़े से रिकवर हुए हैं, तो इसलिए हम एक आराम से साइड में, ये रहा आगे आगे आगे, ये है बर्फ़ की दुकान, ये देखो बर्फ़ बर्फ़ ही बर्फ़ है इसमें। तो यहाँ से हम बर्फ़ ले रहे हैं अपने टैंक बनाने के लिए, रहने तो हम दे देंगे, रहने दो। तो भाई अब बर्फ़ निकालेंगे हमारे लिए। तो गाइस, बर्फ़ ले लिया हमने, दिखाना, तो ये इतनी सारी बर्फ़ है 10 रुपीज़ की, तो अब ये हम ले जा रहे हैं और इसका बनाएंगे टैंक। और ये गोलू मेरे फ़ोन में से पैसे निकाल के दे रहा है उनको, ये रहा मेरा फ़ोन, चीनी। ये रहे भाई, नाम क्या आपका? नीरज। नीरज भाई है, थैंक यू नीरज भाई। तो अब बाइक मैं चलाऊंगा गाइस, ये ले तू व्लॉग बना। तो गाइस, अब ये फुल बाइक चला रहा है, भाई पीछे बैठे हैं, भाई फुल बाइक चला रहा है। गाइस, ये हमने देखो बर्फ ले लिए, काफ़ी सारे हम बनाएंगे टैंक। कैसे क्या लग रहा है सही है? जैसे लगते हैं वैसे ही तो लग रहेगा, आज तो दो गुना मोटा लग रहा है, अंदर ले ले आज। तो भाई हम घर भी पहुँच गए, बस यहाँ पे कपड़ों की बहुत सारी कंपनी फैक्ट्री जो होगी, सस्ता भी है बहुत। ये बाइक इससे लॉक नहीं हो रहा, लॉक नहीं हो रहा क्योंकि थोड़ा सा बाइक का वो इशू है कुछ शायद लॉक का। सो गाइस,
तो ये जगह जो पड़ रही है ये थाने के अंदर पड़ रही है, मतलब मुंबई का ही जैसे दिल्ली NCR NCR टाइप है वैसी मुंबई का थाने वाने पड़ता है। तो थाने की एक जगह है कल्याण, कल्याण से बस पकड़ोगे और फिर भिवंडी की साइड आ जाओगे, भिवंडी में थोड़ा सा अंदर आकर है मेरे से कॉन्टेक्ट कर लेना, ये ढाबा है तो खाना बहुत अच्छा बनता है, खाना बहुत सही बढ़िया बनता है, पर हमारे लिए तो फ्री में स्टे है। और क्या कहते हैं ये जितना भी दिख रहा है आप लोग को इधर दिखाओ, ये सारी मतलब आधे से ज़्यादा फैक्ट्रीज है। और क्या कहते हैं ये चाचा का वो है, अंदर से भी दिखाएंगे आपको, दिखा देंगे। हाँ हाँ मेरे भाई, तो ये देखिए तो अब हम जा रहे हैं टैंक बनाने, टैंक बना के फिर आपको दिखाते हैं। गाइस इसमें बर्फ तोड़ी जा रही है, जिस तरह का हम सोच रहे थे पावर प्ले बड़ा अच्छा गया है। यहाँ पे मैं समझता हूँ एक पार्टनरशिप की जरूरत है लखनऊ को, भिवंडी मस्त एरिया है, गोलू गया वहाँ पर, क्या कहते हैं ये रहा गोलू, हाँ डाटे के पास। ये देखिए देखिए कैसा घर है, गांव में दिखा होगा आपने वैसा ही है, देखो ऊपर छतों पे क्या डल रखा है, मतलब ऐसा सीन है छतों का कि देखो अगर दिखाई दे रहा है। ये जो ब्लू वाला है ये गोलू के चाचा का, यहाँ पर क्या कहते हैं ये होटल है, ठीक है, जहाँ पर लोग बैठ कर खाना वाना खाते हैं। और ये बगल में मतलब जो वही जो खाना वाना बनता है वो वाली जगह है ये, और ऊपर से आ रहा है, और अभी अंदर वो बनाया जा रहा है, टैंक बनाया जा रहा है। और इसके पीछे दो रूम है, एक घर टाइप है जिसमें ये लोग रहते हैं, और एक मतलब और एक भी है जिसमें खाना बनाते हैं। तो ये लिया गोलू बार बार, ये वो, और इसमें है हमारा माल पानी, ये देखिए ज़्यादा नहीं जा रहा, ये रहा इसमें पानी हमारा जिससे हम टैंक बनाएंगे, और ये रहा जिसमें सामान है टैंक का, तो देखिए ये रहा टैंक, ये है बोर निविका, ये भी ख़राब हो गया, कॉफ़ी ये भी हम मतलब कुछ शेक वेक बनाते हैं तो वो भी पीने के लिए करते हैं, तभी रख रखा है शेक पीने के लिए। और अभी आज तो मतलब अभी पीते यही चॉकलेट वाला यही पीते, पर दिक्कत ये है कि अभी हमने मछली खाई थी इस वजह से हम वो नहीं कर रहे, तो हमने डायरेक्ट बर्फ़ हमसे टूट ही नहीं थी, तो हमने सारा पानी में बर्फ़ मिला दिया है, तो अब इसी में थोड़ा सा टाइम डलेगा, नहीं उसमें मत डाल गाइस, बर्फ़ डाल दिए और इसमें टाइम डल रहा है। इधर चेहरा दिखाओ अपना खूबसूरत, इधर दिखाओ बेटा। तो आज हम टैंक का नशा करेंगे, बस बहुत है, इसमें डाल देंगे चीनी खूब सारी, चम्मच। तो गाइस ये रहा चीनी, और चीनी डाल रहे हैं अभी हम इसमें, तो गाइस चीनी भी भर के डाल दिया हमने इसमें, ये गोलू मिक्स कर रहा है इसको अच्छे से, गोलू गोलू करके घुमाया यार ऐसे घुमाया, पर रुक तो है ऐसे करके, हाँ आराम आराम से आते हैं, थोड़ा ऐसे साथ हम जंगलिंग करेंगे, चीनी जैसे मिक्स हो जाएगी थोड़ा सही लगेगा चीनी। तो गाइज आज का प्लान हमारा ये है, हम भिवंडी में थोड़ा घूमेंगे, यहाँ पर एक क्या कहते हैं जब हम भिवंडी आ रहे थे उस टाइम हम काफ़ी थके हुए थे इसलिए हमने व्लॉग नहीं बनाया था, तो अभी हम इसलिए बना रहे कि हम थोड़ा सा फ्रेश हो गए हैं। तो अभी हम जाएंगे क्या कहते हैं भिवंडी में एक चौक है जहाँ पर शिवाजी की बहुत मस्त वाली मूर्ति बन रखी है, जिसमें मतलब बहुत बढ़िया मूर्ति है आपकी, दिखाऊंगा मैं आपको, चौक पर है वो। तो हम शाम का प्लान वही है कि थोड़ा वहाँ पर मार्केट वार्केट घूमेंगे, और क्या कहते हैं यहाँ भिवंडी में मैंने सुना है सबसे ज़्यादा मुंबई में यहीं पर ही सस्ते कपड़े मिलते हैं, यहाँ हाब है कपड़ों का, तो देखेंगे कपड़ों की मार्केट भी थोड़ा घूमेंगे एक्सप्लोर करेंगे। और ये रहा गोलू, तो मिलते हैं फिर थोड़ा सा टैंक वैंक पीते, गाइस टैंक बन चुका है, दिख नहीं रहा होगा यहाँ पर, गोलू सर्व कर रहा है,
गोल उस तरफ आ गया, उस तरफ आ गया। हाँ देखिए लाइटिंग आ रही है। तो गाइस ये देखो बन गया टैंक, टेस्ट ऑसम लग रहा है, सही लग रहा है ये रहा। तो टैंक बन चुका है, टेस्ट करते हैं। अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है भाई टैंक? ठीक है, मस्त है, अच्छा लग रहा है। थोड़ी गर्मी भग गई, मस्त लग रहा है। तो गाइस बच्चों का रिव्यू सुन लेते, तो कैसा लग रहा है बाबू आपको? ये इनके चाचा की बेटी है, क्या नाम है आपका? सौरभ। हैं? सौरभ कुमार। सौरभ ये बच्चे हैं, इनके तीन लड़कियां हैं। और ये बड़े बच्ची थी तो हमने ठंडे पानी में रख, पानी में रख लिया, ठंडा पानी पीते रहेंगे। टैंक तो बहुत अच्छा टेस्टी बना था, तैयारी अच्छी है। तो गाइस टैंक भी हम लोगों ने पी लिया, अच्छे से चिल्ड हो गए हम लोग, ठंडे हो गए इस गर्मी में। और अब यहाँ की हम थोड़ी हवा खा, दिल्ली का तो मौसम अभी ठीक है फिलहाल, यहाँ के हिसाब से, यहाँ का हिसाब थोड़ा गर्मी ज़्यादा है यहाँ पर। जब हम दिल्ली से निकले थे तो जैकेट वैकेट पहन के निकले थे, यहाँ पर देखो टी शर्ट में घूम रहे फुल। और अब क्या कहते हैं, अब शाम को हम मार्केट घूमेंगे, तो देखते अगर मार्केट से कोई चीज़ अच्छी लगी तो वहाँ से वो परचेज़ भी कर लेंगे हम, कोई कपड़ा वपड़ा या कुछ भी। तो बता रहे थे भाई बहुत सस्ता है यहाँ पर कपड़ा, थाने की साइड जाएँ कल्याण में, तो घूमें तो फिर मार्केट घूमेंगे, तब आपको थोड़े से वहाँ के शॉर्ट्स दिखाते हैं। तो मिलते हैं मार्केट में। तो गाइस अब हम मार्केट के लिए जा रहे हैं, और ये देखो गोलू का आउटफिट, टन 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 टन, ये दिखा पीछे थोड़ा, पीछे पीछे पीछे, तो ये इसका आउटफिट है। अब मेरा दिखाते हैं, जब मैंने अपना आउटफिट दिखाया, अब सूरज की बारी है, देखो गाइस लेट्स गो। कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना दोनों का आउटफिट, किसका ज़्यादा बेटर लग रहा है। सो गाइस अब हम निकल चुके हैं मार्केट के लिए। अरे मत देखना इसका व्लॉग, मेरे व्लॉग मैंने नहीं देता, खुद हंस खाया था। ये चिढ़ रहा है, मैं व्लॉग बना रहा हूँ। तो ये भाई है, ये हमें घुमाएंगे। तो कहाँ का लेके जाओ भाई बताओ थोड़ा? शिवाजी चौक। तो शिवाजी चौक लेके जा रहे हैं हमें, वहाँ पर क्या कुछ खास है क्या? मतलब वहाँ एरिया देखेंगे घूमेंगे। चलो एरिया देखेंगे घूमेंगे, मार्केट वगैरह भी है मेरे। हाँ चाचा भी बता रहे थे। ये ले तू बना ले थोड़ा सा व्लॉग। नहीं तू ही बना, चिढ़ रहा है। तो वहीं थोड़ा सा घूमेंगे और देखते हैं अभी क्या क्या करना है वहाँ पर। तो अभी तो फिलहाल हम तीनों जा रहे हैं मार्केट, तो मिलते हैं आगे। गोलू का आउटफिट जो भाई हमारे साथ, और ये रहा मैं। इस मतलब जहाँ पर ये रहते हैं वहाँ से मार्केट क्या कहते हैं 10-15 मिनट का रास्ता है ना पैदल, 20 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। तो हमने सोचा मार्केट में ही घूमना है तो बाइक वाइक क्या लेके आना है, तो इसलिए हम बाइक नहीं लेके आए। तो ये रहा, हम थोड़ा सा पैदल ही चलते हुए जा रहे हैं। तो ये रहा हमारे भाई, ये हमें सब जगह ले जाएंगे मार्केट में, दिखाएंगे। तो कल ये परसों में छोड़ने भी जाएंगे, परसों हमें छोड़ने भी ये जाएंगे, लेने भी आए थे। हाँ तो पहले मार्केट घूम लेते और देखते हैं। जैसे कल्याण नियर भिवंडी, ये रहा कल्याण। गोलू खड़ा भाई, फोटो खींच ली। ये रहा, अच्छा लग रहा देखने में मार्केट, घर जैसा फील ही आ रहा है भाई। बहुत बढ़िया बंदे भाई, फूल हमें हमारा ख्याल रख रहे हैं, खाना पीना रहना वहना सब यही कर रहे हैं, बहुत अच्छा अच्छे मस्त जेन्युइन अनुराग। वो देखो कहाँ पे बैठे हुए ऐसे खेल रहे हो, देखो बच्चों को देखता हुआ, वहाँ बच्चे खेल रहे हैं। ये यहाँ पे जो ऑटो है इसको ये लोग काली पीली कहते हैं, मुंबई वाले, हम नॉर्मली ऑटो बोलते हैं ना, इनके यहाँ इसको कहा जाता है काली पीली।
क्योंकि इसका कलर काला पीला होता है, दैट्स व्हाई। कितनी पुरानी पुरानी बिल्डिंग है यहाँ पर, ऐसे ही मिलेगा देखने को, अच्छा लग रहा है देखने में। कोई जैसे अपनी पुरानी दिल्ली में पुरानी पुरानी हुआ है ना बिल्डिंग है, वैसे यहाँ पे भी दिख रहा है थोड़ा पुराना पुराना हो गए होंगे इसको, 50-60 साल में भी इस बिल्डिंग को। ये देखो कितना अच्छा भी लग रहा है देखने में, शूट वूट करने के लिए तो बेस्ट लग रहा है। तो अब मैं इनसे काफ़ी पीछे हो गया, वो देखो कितना आगे हो गए। इस गंदगी पता नहीं नाला है नदी है क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ तो है, बड़ा गंदा लग रहा देखने पर। मार्केट के लिए जा रहे हैं, पहुँचे नहीं, पैदल पैदल जा रहे हैं के ये मेरी तरह मटके हैं खूबसूरत। ये देखो ये पौधे अच्छे लग रहे, प्यारा प्यारी सी शॉप लग रही है, मस्त। वाओ उस तरफ भी अपोजिट में भी है दुकान है। यहाँ का जो फेमस है भिवंडी का शिवाजी चौक, वो मैं आपको दिखाता हूँ क्यों फेमस है। क्योंकि यहाँ पर भी एक बहुत तगड़ी वाली मूर्ति बन रखी है शिवाजी की, जो घोड़े को लेकर खड़े हुए हैं। तो अभी दिखाता हूँ मैं आपको शिवाजी और शिवसेना, दिखाता हूँ मस्त वाली मूर्ति है। और ये रही शिवाजी की मूर्ति, ये बैक से दिखा रहा हूँ मैं आपको फिलहाल, तो अभी आगे जाके सामने से एकदम फ्रंट से दिखाऊंगा। बहुत बढ़िया मूर्ति लग रही है देखने में वैसे, और चौक भी बहुत बढ़िया लग रहा है। ये देखो कितना प्यारा सा साफ सुथरा, काफ़ी बड़ा है, गोल चक्कर है। ये देखिए शिवाजी जी, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा है इधर। ये रही मूर्ति शिवाजी, ये रहा वो शिवाजी चौक फेमस भिवंडी का। और ये देखो कितनी प्यारी मूर्ति बना रखी है, शाम हो गई इसलिए थोड़ा ठीक से दिख नहीं रहा, बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब हम थोड़ी फ़ोटोज़ क्लिक करवाएंगे यहाँ पर, एंड देन उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पर भी अगर हम मोमो से पूछ रहे हैं, हम बड़े हैरान हो गए देख के, यहाँ पर भी मोमोज बिक रहे थे। और ये कोई पता नहीं कौन सी डिश है, ये अभी चेक करेंगे देख के थोड़ा सा। मंचूरियन है ये, अच्छा तो ये मंचूरियन है। और ये हाफ प्लेट मोमो से देख के कैसे मिलेगा, थोड़ा खाओ खाओ आप खाओ, नहीं नहीं आप तो ये आप खाओ ना, हम तो ये मेरा टेस्ट अभी कैसा है, अच्छा है। तो गाइस मोमोज तो ठीक है, थोड़ा सा ठीक ठाक है, इस मोमोज भी खा लिए, मतलब दिल्ली वाला टेस्ट नहीं था पर ठीक था, ठीक था, इतना अच्छा नहीं था, पर जो अपने लाजपत नगर के मोमोज है वो दुनिया में कहीं भी नहीं मिलते होंगे। इसके हिसाब से काफ़ी महंगा भी था ये वाला। हाँ 80 रुपीज़ के थे, और आई थिंक कितने पीस थे, 12 पीस थे, 12 पीस थे 80 रुपीज़ के, वो भी वेज, मतलब महंगा है पर कोई नहीं, यहाँ पर आकर ठीक है। हाँ तो पर जो लाजपत नगर के मोमोज हैं वो तो लाजवाब है एकदम, उसका कोई भर वही नहीं है, बेस्ट है। आप दिल्ली में काफ़ी अच्छे अच्छे मोमोज हैं, बहुत पसंद है। हाँ वो मेरे को बहुत सही लगते हैं यार, अलग अलग जगह वैसे। चलो आज कुछ और देखते हैं, की साइड आ गए, वो देखो झूला झूल रहे वहाँ पे बच्चे। और यहाँ पे ये हनुमान जी का महाजन महोत्सव चल रहा है, मतलब अब काफ़ी पहले का लगा हुआ होगा शायद, क्योंकि वो तो पक्का चले गया। और धीरे धीरे अब थोड़ी सी शाम होने लगी है, दिन ढलने लगा है। मोमोज ट्राई करे थे, आए आए दिल्ली की याद आ गई बहुत। मुंबई का जो फेमस है बड़ा पाव, वो हम फेमस जगह से कुछ खाने जा रहे हैं, जहाँ पे ये इलाके का जो फेमस होगा जहाँ से, तो अभी टेस्ट करते हैं और बताते हैं आपको बड़ा पाव का टेस्ट। अपने मोमोज को तो नहीं हरा पाएगा पर कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट फिर भी कर ले। किसको बाथरूम वाले को? गाइस यहाँ पर ऐसा है, क्या कहते हैं, वॉशरूम है एक, मतलब तो वहाँ 3 रुपये लगते हैं वॉशरूम जाने को, वो भी वॉशरूम दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। जो ऑटो कितने डिफरेंट है, काले पीले अजीब से ही लग रहे हैं, अपने दिल्ली के चाहिए हरे और पीले, वो मस्त लगते हैं।
ये तो अजीब सा हॉल लग रहा है देखने में। ये देखो कितने लाइन से खड़े हो यहाँ पे। ये मार्केट है छोटी मोटी। ये देखो ब्लैक कलर की ऑटो। मज़ा आ रहा है घूमने में, अच्छा लग रहा है। देखते हैं वड़ा पाव का टेस्ट। और ये देखो मंदिर। टी शर्टें मिल रही हैं यहाँ पे लड़कियों की। ये देखो भीड़ हो रही है, दिखाई नहीं रहा होगा। ठीक है यहाँ पे ये देखो ये मार्केट है सब्जियों की फलों की। मतलब सब कुछ बिक रहा है, ऐसा नहीं कह सकते। अरे अब ये लोग कहाँ चले गए? ये लोग ने मेरे को छोड़ दिया क्या? किधर गए? ये देखते हैं। ये रही मार्केट। मैं वीडियो बनाने लग गया तो वो लोग पता नहीं कहाँ चले गए। अच्छा वो रहे वहाँ पे। सो यहाँ पर आए हम, यहाँ से खाएंगे शायद हम वड़ा पाव। ये देखो सिक्योरिटी गार्ड आके क्या लेने गए? वड़ा पाव लेने गए अंदर। इसके पक्कर चलो चेक करते हैं अंदर कैसा है वड़ा पाव। चल अंदर से। ये रहा अंदर लेने गए होंगे टिकट काउंटर पे। ये रहा वड़ा पाव, लेते और खा के टेस्ट करते कैसा है। बन रहा है हमारे लिए वड़ा पाव। ये रहा फेमस वड़ा पाव दिखाना। ये ऐसे टिश्यू में मिलता है। अब इसमें तीखी मीठी चटनी डलेगी। टेस्ट डाली है चूड़ी है। कितने रुपए का एक ही है? 18 रुपये का। तो ये एक 18 रुपये का है ये वड़ा पाव। ठीक ही लग रहा देखने में। ये वड़ा पाव है। सो गाइस टेस्ट करके बता दो मैं कैसा वड़ा पाव लगा है। टेस्ट करके कैसा है? ठीक ठाक है। अच्छा नहीं है? मतलब अच्छा है। सही है। थोड़ा सॉस थोड़ा चटनी अलग से पत्तल में मिलेगी क्या? मिलेगा ना। तीखा और वो दोनों मिक्स करके दे देना। तो क्रीम कर रहा है। अच्छा है। तुझे तीखा पसंद है ना? ऐसे मैंने धन्यवाद। चटनी में डुबो नहीं है भाई। जब खाते खाते टेस्ट और अच्छा लगने लग गया है। ये रही चटनी, सही लग रहा है टेस्ट। 18 रुपये में सही है। बोल दे मैं ही बड़ा पाऊँ। गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। दिल्ली में बात हुई थी हम लोगों की तो कह रहे इस टाइम बारिश हो रही है बहुत तगड़ी। पर यहाँ पे तो हमारा मौसम हवा तो चल रही है पर गर्मी लग रही है। वड़ा पाव तो हमने खाया, वड़ा पाव पास हो गया। बहुत सही था खाने में, टेस्टी था, मज़ा आ गया। भाई कह रहे कि हर जगह का अलग अलग टेस्ट होता है। हाँ सही बात है, वैसे होगा ही क्योंकि बनाने वाले का हाथ में होता है। पर यहाँ का मेरे को टेस्टी लगा, अच्छा था। अब हम और कुछ चेक करेंगे यहाँ पर, देखते क्या खाएँगे क्या नहीं। और अगर कुछ लेना हो तो वो भी देखते हैं। फिलहाल हम अभी जा रहे कपड़ों की जगह पे जहाँ पर कपड़े मिलते हैं। गाइस ये रहे कुछ और शॉप। ये क्या देखी तुमने? देखो ये बर्तन बर्तन मिल रहे हैं। ये है मार्केट यहाँ पे कपड़ों की। ठीक ठाक है, सही है। देखते हैं कुछ मिलता है तो लेते हैं। गोलू हाँ इधर देखते कुछ। तो यहाँ नहीं मिलता होगा यार, ऐसे नहीं होता। तो ये देखो मार्केट जा रही है, अच्छी मार्केट है, खूबसूरत सी, दिल्ली जैसी है। और गाइस दिल्ली में एक चीज़, मतलब मुंबई में एक चीज़ है, जैसे कि यहाँ पे मतलब जो इंग्लिश का वर्ड है वो हिंदी में लिखा हुआ है और उसी नाम से मतलब दुकानें खुली हुई हैं। जैसे ये देखो कहाँ पे, अभी कहीं दिखेगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने काफ़ी नोटिस किया है तो मतलब है वर्ड इंग्लिश का। जैसे डोमिनोज़ देखा था हमने तो वो लिखा डोमिनोज़,
हिंदी में हुआ था, तो है वर्ड इंग्लिश और लिखा हुआ था हिंदी में। ये यहाँ पे कुछ मिल रहा है, बोलो ट्राई कर ले। रिव्यू लेते कुछ मार्केट के बारे में, कैसा लग रहा है इसको बताइए। मार्केट ठीक है पर लड़कों के लिए इतनी खास नहीं है। हाँ, लड़कों का सामान ज़्यादा है यहाँ पे, लड़कियों का सामान तो भर भर के मिल रहा है, इसलिए कुछ पसंद ही नहीं आ रहा हमें। हाँ तो देखो अभी कुछ मिलता है तो फिर दिखाते हैं, कुछ दिखता है तो। हाँ बाकी ठीक है, मार्केट ठीक ठाक है। वो बैंड देख, कोई मल्ली मलाई है, इसको टेस्ट कर रहे हैं हम, 10 कप पहले लेके देख रहे हैं, थोड़ा सा चेक करते हैं अच्छा कैसा लगता है देखने में। वाइट नहीं का है, बना रहे हैं। हमने 10 का लिया है दोबारा, काफ़ी टेस्ट तो बहुत बढ़िया है यार, बहुत टेस्टी है, मस्त है एकदम, यूनिक सा है, मतलब खाया नहीं था ऐसी चीज़ें, सही लग रहा है। ये कितना ट्रेडिशन पत्ते में, ये ले और खा ले, टेस्टी है, अच्छा तो गाइस टेस्टी तो बहुत है, अच्छा लग रहा है खाने में, ठंडा ठंडा है, मीठा है, दूध जैसा है, मस्त यूनिक है, मतलब थोड़ा सा। चल गाइस मल्ली मलाई खाने के बाद यहाँ पर आ गए हम थोड़ा सा, ये देखो जो मिराकल शॉपिंग सेंटर हैस वर्ल्ड, अभी यहाँ अंदर चलते हैं देखते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कैसा है। ये देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, ये रहा गोलू, छोटा सा मॉल टाइप है, मॉल नहीं कहेंगे, कॉम्प्लेक्स है, ठीक ठाक है। यहाँ पे भी चीज़ें मिल रही है, देखो हॉलीवुड लिखा हुआ है सामने, हॉलीवुड स्टाइल बॉम्बे, अच्छा वो वॉशरूम के लिए आए थे ना। ये देखिए ये, तो गाइस मार्केट हम घूम चुके हैं, काफ़ी चीज़ें मतलब खाई थी हमने, अब एक कोल्ड ड्रिंक लेना बाकी है, अभी वो आगे से कहीं से ले लेते हैं, और अब हम जा रहे हैं घर की ओर, तो फिर ब्लॉग ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, तो घर पे जाके इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं और थोड़ा रिव्यू देंगे मार्केट का कैसा लगा, है ना गोलू। और भाई आगे हैं गाइस, हम लोगों ने अभी स्प्राइट ली है, बहुत गर्मी लग रही थी चलते हुए, अभी स्प्राइट पी रहे हैं हम लोग। ये देखो मेरी शक्ल देखो कितना पसीना आ रहा है। ये लव खाड़ी पार लिखा हुआ है, आई लव खाड़ी पार, अच्छा लग रहा है देखने में, बड़ा अजीब लग रहा है। गाइस हम मार्केट घूम कर आ गए थे और अब हम चेंज करने जा रहे हैं, सो मार्केट का अच्छा था, मतलब मार्केट में खाने पीने की चीज़ें भी सस्ती थी, वड़ा पाव जैसे 18 का, और जो छोटी वाली हमने वो ली थी मिठाई टाइप वो 10 रुपये की थी, वो काफ़ी अच्छी थी, और फिर मतलब बढ़िया था, मतलब मार्केट मस्त था, ज़्यादातर हमें वहाँ पे मोमोज सबसे महंगे थे जबकि वो दिल्ली में सस्ते हैं। चलो फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।